ऐसी चमकदी हुई तलवार लेके साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब अज दे दिन श्री आनंदपुर साहब आ गए ते पुराना वादा याद आ गया। पुराना वादा रवाल सर दे मुकाम उते राजे ने ताने मारे सन चार, तेरा खालसा पेड़ा, तेरा खालसा खाना बदोश, तेरा खालसा गरीब, तेरा खालसा चिड़िया। ते रवाल सर दे मुकाम उते गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जिदा कारखाना कोई नहीं, जिदी फैक्ट्री कोई नहीं, जिथे किते हथियार बनते हुण थां कोई नहीं, बेसरो समानी दी हालत विच सरकार ने एक वादा कीता सी रवाल सर दे मुकाम ते। कहण लगे राजे हो ओ राजपूत अखवाउण वाले हो, राजे हो भेड़ों से मैं शेर बनाऊं, तुसा मेरे खालसे नूं क्या पेड़ां, जे वाहिगुरु की कृपा होई ते ना पेड़ां नूं शेर बना देंगे, भेड़ों से मैं शेर बनाऊं ते राठों के संग रंक लड़ाऊं। तुसा मेरे खालसे नूं आख्या रंक कंगाल गरीब, मुगलां नूं दस्या राठ, जे वाहिगुरु की कृपा होई ते उन्हां राठां नाल इन्हां लंक रंकां नूं मैं लड़ा के विखा देंगा। भूप गरीबन को कहा, तुसा मेरे खालसे नूं आख्या गरीब, उन्हां नूं दस्या हिंदुस्तान दे मालक अकाल पुरख की कृपा होई ते राजे इन्हां गरीबां नूं उन्हां नाल लड़ा के विखा देंगा। ते चिड़ियों से मैं बाज तोड़ाऊ, मेरे खालसे नूं तुसा दस्या चिड़िया, जे वाहिगुरु की कृपा होई ते इन्हां चिड़िया कोलों मैं बाजां दीआं बोटियां तुड़वा देंगा। तुसी चौं गल्लां ते खलो गए, मैं नाल एक पंजवीं गल लगा कहण। भेड़ों से मैं शेर बनाऊं, भूप गरीबन को कहाऊं, राठों के संग रंक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तोड़ाऊं, सवा लाख स्यों एक लड़ाऊं, फिर नाम कहाऊं तबे गोविंद सिंह, नाम कहाऊं सिख दे घर गए सन। श्रीमान सत्कार योग सरदार दलीप सिंह साहब मैनू लैके गए सन, ते वापस आउंदिया आउंदिया मेरे मुँहों एक गल निकली ते मैनू स्वाद आ गया। जदों दलीप सिंह जलाल विच आ गया, कहण लगा मैं पखंडियां पखुंडियां दा कोई हामी नहीं, मैं ते खालसे दा हामी हाँ, जिहड़ा तत गुरमत दा प्रचार नहीं करदा ते तत गुरमत नूं नहीं अपनाउंदा, मैं कदे उहदे हां च हां नहीं मिलाए। मैं कहा वाह भाई वाह, वाहिगुरू कृपा करे जिदा के तुहाडे सियाने सुचजे प्रबंधक ने गुरमत दे प्रचार दे हामी, इदा दे प्रबंधक सारे बन जान, पखंडियां दी दाल किते ना गले, पर दुख ते है साडे विचों बड़ियां शाखां ने, पखंडियां दा तां दा भर जांदा, कुछ होर दा होर आके समझ आ जांदे। गुरु गोबिंद सिंह साहब तलवार लैके आया, लिशकाई है, टहल गईयां छातियां, परेशान हो गए कायर लोग, छके छुट गए बुझ दिलां दे, ते गरीब नो आज वीर रसी, शुद्ध हंकार कहंदे ने वीर रस नू, वीर रसी जलाल विच आए होए, अखां विचों नूर टपक रहा है, मथे तो नूर डुन रहा है। साहब सच्चे पातशाह तमाम संगत वल वेख्या और वेख वेख के क्या, खालसा जी मेरी तलवार मेरी कृपान प्यासी है, मुद्दत तो प्यासी है, एदी प्यास अज तक इन्हें नहीं बुझाई, लेकिन एदी प्यास बुझाने वास्ते पानी दरकार नहीं, गंगा जमुना का पानी दरकार नहीं, एदी प्यास बुझाने वास्ते किसे सिख दे सिर दी लोड़ है, किसे सिख दे लहू दी लोड़ है, किसे सिख दे बलिदान दी लोड़ है। कोई ऐसा गुरु का लाल
जो मेरी तलवार दी प्यास बुझा दे। कंब गए लोग, सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटां दे बाद एक सिख उठिया, गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह दे नेत्रां च नेत्र पा के कहन लगा, मुझे कायदे हस्ती से आजाद कर दे, मार तलवार चिटका दे मैनू इस हस्ती दी कैद विचों आजाद कर दे, मुझे कायदे हस्ती से आजाद कर दे, मुझे बाग जन्नत में आबाद कर दे, मैनू बागे कौसर विच लै जा, मैनू जन्नत विच लै जा, मैं छुटना छुटकारा चाहना है हस्ती दी कैद चो। साहब उन्हू लै गए तंबू च लै गए, ते फिर पिजी हुई तलवार, लिबड़ी हुई लहू नाल तलवार लैके दोबारा स्टेज ते आ गए। फिर ऐलान किया, मेरी प्यास अजे, मेरी तलवार अजे भी प्यासी है, अजे भी तसी है, अजे भी त्याई है, इनू एक सिर दी होर लोड़ है, एक सिर होर चाहती है, एक सिख दा होर खून पीना मंगदी है कोई। उस वेले जसवंत राव अनंत सिख लैके निकल गया हुशियारपुर, सन्नाटे दे बाद फिर दूजा सिख उठिया। इत्थे कजे आके कई इतिहासकारां ने कई किस्म दियां गल्लां कीतियां ने, प्रोफेसर साहब सिंह ते इधरों लागों दी नीना लंघदा, युग पुरुष दे करता ने एवें सरसरी जी नजर मारी है। कल एक लेख मैं तुहाडे यूके दियां अखबारां दा भी पढ़िया, उन्हें भी इन्ना लिख दिता भाई टेग दी भेट करके, खुलासा उन्हें भी नहीं किया। कई सिखां दे ने जी अंदर बकरे बधे हुए सन, ते गुरु गोबिंद सिंह साहब ने आख्या शीश चाहिए ने, अंदर जाके बकरा वड सुटिया। मेरी गल नूं ट्रमे ना सुनियो, जे गुरु ने इदां कीता भाई साढ़े कोलों मंगे शीश ते अंदर जाके वड सुटिया बकरा, ते की तुहाडा ख्याल है भी इहो जे गुरु की पूजा करनी चाहिए, इहो जे गुरु का अमृत छक लेना चाहिए, इहो जे गुरु नूं सिर चुका देना चाहिए। गुरु सानू तो यह गल कहिंदा, सानू तो उपदेश करदा, बोलीए सच धर्म, झूठ ना बोलीए, जो गुर दसे वाट मुरीदा जोलीए। सानू तो कहिंदा सच बोलो, वो सच बोलो जिदे च धर्म नू दखल होवे, धर्म नाल रलिया मिलिया सच बोलो, झूठ ना बोलो। जिहड़ा झूठ बोलेगा दोज़खां नू जाएगा। ते यारो आप स्टेज दे उत्ते आके मंगे सिखां दे सिर, अंदर जाके वड सुटे बकरे, झूठ बोलिया अगर गुरु ने ऐसा कीता ते। देखो ड्रामे नाल सुनियो मेरी गल। एक होर नुक्ता मैं तुहाडे सामने रखना चाहना, साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हुक्म कर गए ने, दिलों मुहब्बत जिन से ही सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया। जेड़ा मन विच कुछ होर रखे ते मुंह नाल कुछ होर आखे वो कच्चा है, ते गुरु दे मन विच होवे ए पे अंदर बकरे वड़ांगे, ते मुख नाले आखे मैं सिख वड़ने ने, की तुहाडा ख्याल आ गुरु पक्का? सानू ते आख्या मैं सिख वड़ने ते अंदर जाके बकरे वड़, अंदरों होर ते बाहरों होर, की गुरु ने इदा किया हो? ये ठगी की हो? जफरनामे विच गुरु ने अपनी जुबाने पाक विचों अखर लिखे ने, हम नर बयाद शवद सुखनवर, न शिकमे दिगर दर्द हाने दिगर। महाराज कहते ने मैं उस आदमी नू आदमी समझना जेड़ा बचन का बली होवे, जो पेट विच होवे सो मुँह नाल आखे, जो मुँह नाल आखे सो ओहदे मन विच होवे, जेड़ा अंदरों होर ते बाहरों होर बंदा नहीं। ते यारो गुरु दे मन विच इह भई बकरे वड़ांगे, ते बाहरों सानू आखे भई मैं सिख वड़ने ने, मन विच होर ते मुख विच होर। जरा जरा का गां वधदे जायो, दसवें बापू ने अपनी जुबाने पाक विचों ये अखर कहे ने, के जेतो बड़े ज्ञानी तिनो जानी पे बखानी ना है। मेथों पहला जिन्ने ज्ञानी आए ने वो हकीकत नू जानदे सन, पर दुख है उन्हें दस्या ने,
जानदिया हो दसिया ने तुसी हिंदुस्तान दे रागी कोल 14 वरे मुंडा छड़ छड़ो सिख 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 पाइया राग सिख जिसे 15वीं वरी मुंडा घर आ जाए ना शिगिरदी उड़दी करके ते ओ उस्ताद फिर बड़ा मुछा ते हथ फेरदा लै भाई 15 वरे रिहा धर्म नाल टक्करा मार के मर गया मैं फलाने राग दी कुंडी दसी नहीं बल्ले ओ मरदा आ जिहड़ी बरादरी च मेरा जन्म होया इन्हां नूं मुंडा दे छड़ी ना फिर इहनूं सिखा दिओ कुछ सत क वरे मुंडा फड़ ले तेसा यारी मारदा रहे टक्करा जोले घर आ जाए आना ला भाई बनो बड़ी गल गलबात बड़ी की पहले मैं धारी भी नहीं चढ़नी सिखाई फिर मैं चार मुरबी चढ़नी सिखाई फिर मैं दो ही चार मुरबी वो जेड़ा शश दर का गुद सी गुर गुर सी ना टक्करा मारिया मुंडे ने पर मैं वो गुर दसिया मैं नहीं लग साडे हिंदुस्तानियों का खासा ये है असी किसी ने दसना नहीं चाहते लुका इतने थोड़े यूके ठाकर का तो खन्ना आया अमृत धारे वाला इन्हें आख्या थ्यूरी कह लगा मैं थ्यूरी नहीं दसनी उन्हें आख्या फिर इंडिया जाके वेज इतने तो थ्यूरी दसनी असं थ्यूरी नहीं दसते लुका के रखने तो गुरु गोबिंद सिंह साहब कहता जे तो बड़े ज्ञानी तेनों जानी पे बखानी ना मेथों पहला जिन्हें वे वे ज्ञानी आए ने जानते सी हकीकत न पर दुख है उन्होंने लोगों दसिया नहीं जे तो बड़े ज्ञानी तेनों जानी पै बखानी ना है हजूर कहते ने ऐसो ना प्रपंच मन भूले आनी आता है मैं ये ठगी मैं ये धोखा मैं ये दगाबाजी भूल के भी नहीं करनी भी जी गल मैं जानता हुआ मैं लोगों ना दसा जेड़ा गुरु एडा रास्त गो है जेड़ा गुरु एडा सचा सुचा कि उन्हें यह गल आखी होगी सानू आके भी मैं सिख वढ़न ने अंदर जाके बकरे वढ़ सुटे हो उन्हें ठगी की होगी उन्हें तो धोखा तो, दिता होगा एक होर मैं थोड़े को आम लोगों वाली गल करना पे मेरे या तो आड़े कोई प्रौहना आ जाए चंगा छगा रिता बड़ा निकटवर्ती कुड़म आ जाए कि जुआई आ जाए कि कोई आ जाए तो फिर अस चाहते हैं भाई सेवा करी प्रौहना कदी कदाई आया भाई कुकड़ वढ़ो अज कुकड़ फड़ियो महिंद्रा कुकड़ फड़ियो जोगिंद्रा कुकड़ फड़ियो सुरैणिया कुकड़ फड़ियो मैणिया कुकड़ वो कुकड़ कदे त्रेक उत्ते कदे तूत उत्ते कदे कंध उत्ते कदे बरांडे उत्ते अद्धे पिंड च पता लग जांदा पे अज महिंद्र सिंह होना कुकड़ फड़िया अद्धे पिंड च पता लग गया तो कुकड़ फड़िया तो यारो गुरु गोबिंद सिंह ने अंदर पंज वर सुटे उन्हां विचों एक भी ना मैं क्या एक दिया भी चीखा ना निकलिया जे अंदर बकरे आते खलमा खाना कोई एक अद्धा तो म्यांकदा ही दवाई रब दी गुरु ने ठगी नहीं की अंदर बकरे नहीं बधे गुरु ने प्रपंच नहीं किया बकरे नहीं बधे जरा होर असी इस विचारीए होर असी जरा के इस सोचिए तो सानू बड़ा तत् ज्ञान हासिल हो जाएगा या तो सानू गुरु उत्ते यकीन